धार जो कि मध्य प्रदेश का एक छोटा सा कस्बा है, जिसकी जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार 93,917 थी, पर अब यह 2,00,000 के आसपास है। धार मालवा क्षेत्र का ही एक हिस्सा है। इसके पास ही में महानगर इंदौर है। अगर हम बात करें धार के राजनीतिक इतिहास की, तो पहले हम बात करते हैं इसके नाम की। धार का पुराना नाम धारा नगरी था, जिसका मतलब था तलवारों का नगर। धार धातु विज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र रहा है। यहाँ पर आज भी आप लोहे के विशालकाय स्तंभ देख सकते हैं, जिन पर कभी जंग नहीं लगता। गुप्त काल में यह अवंती क्षेत्र के जनपद के अंतर्गत आता था, जिसकी राजधानी उज्जैनी तथा माहिष्मती थी। धार का क्षेत्र मुख्यतया आदिवासी सरदारों और कबीलों के अंतर्गत ही रहा। 5वीं सदी गुप्त काल में धार के पास बाघ की गुफाओं में काफी सुंदर कलाकृतियों का निर्माण हुआ। 6वीं शताब्दी में यहाँ मुखारी राजवंश का राज रहा, जिसके राजा ईशान वर्मन काफी प्रसिद्ध हुए। इस समय भी धार कोई महत्वपूर्ण शहर नहीं बन पाया था, क्योंकि उज्जैन ही मध्य प्रदेश पर राज करने के लिए पर्याप्त था। धार एक नगर के रूप में आकार तब लेता है जब यहाँ परमार राजवंश की गद्दी आई। वीर सिम्हा राज्य का मुख्यालय उज्जैन से धार लेकर आ गए। परमार राजवंश के काल में धार में ज्ञान विज्ञान एवं कला साहित्य का काफी विकास हुआ। मुख्यतः सन 1000 से 1055 के बीच, जब यहाँ राजा भोज का राज्य रहा। इनका राज चित्तौड़ से कोंकण क्षेत्र तक फैला था, उत्तर दक्षिण में तथा पश्चिम में साबरमती और पूर्व में विदिशा तक। राजा भोज ने धार में भोजशाला का निर्माण करवाया था, जो कि ज्ञान विज्ञान का एक प्रमुख केंद्र था। राजा भोज ने प्रसिद्ध भोजेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था तथा गोपाल के नाम से जानते हैं, वहां कई बांधों एवं तालाबों का निर्माण करवाया। राजा भोज से संबंधित कई सारी दंत कथाएं भी प्रचलित हैं, पर इनका हमें ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता है। धार की इस संपन्नता ने पड़ोसी राज्यों का भी ध्यान अपनी तरफ खींचा। पश्चिमी चालुक्य राजा सोमेश्वरा ने धार पर आक्रमण किया और इस शहर को तहस नहस कर दिया। इसके साथ ही साथ मांडू पर भी अपना कब्जा कर लिया, जिसके बाद चालुक्य राजा सिद्धा राजा ने भी यहां आक्रमण किया। इन्हीं सब आक्रमणों के कारण जयतुगी और उनके वंशज जयवर्मन या जयसिम्हा अपनी राजधानी धार से मंडपा दुर्ग, जिसे आज हम मांडू कहते हैं, में ले आए। क्योंकि मांडू पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र है, जो कि मालवा के पठार के कोने पर स्थित है, जहां से नर्मदा नदी को भी देखा जा सकता है। इसी समय दिल्ली सल्तनत का बलबन इस राज्य की उत्तरी सीमा पर आ जमा था। इसी समय देवीगिरी के कृष्णा और गुजरात के वाघेला ने भी परमार राज्य पर आक्रमण करा। इसी कारण जब अलाउद्दीन खिलजी मालवा पर आक्रमण किया, तो इसे आसानी से जीत लिया और यहाँ आइन अल मुल्क मुल्तानी को सूबेदार बनाया। अलाउद्दीन खिलजी ने ही धार के किले को और मजबूत बनाया। 1390 में दिलावर खान गौरी को मालवा का सूबेदार बनाया गया। सुल्तान मुहम्मद शाह के द्वारा सन 1401 में दिलावर खान ने खुद को मालवा का स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया, जिसकी मृत्यु के बाद सन 1406 में उसके बेटे होशंग शाह ने खुद को सुल्तान घोषित किया। फिर जलालुद्दीन अकबर ने धार को मुगल शासन के अधीन कर लिया। सन 1723 में बाजीराव पेशवा अपने तीनों सेनापतियों मल्हार राव होलकर, राणोजी शिंदे और उदाजी राव पवार के साथ मालवा पर आक्रमण कर लेते हैं तथा यहाँ पर अपने शासन की स्थापना करते हैं। जहाँ मल्हार राव होलकर को इंदौर रियासत दी गई, राणोजी शिंदे को उज्जैन तथा धार का सूबेदार उदाजी राव पवार को बनाया जाता है। इसके बाद यशवंत राव पवार या पुवार ने धार का शासन आगे बढ़ाया। यशवंत राव पवार काफी वीर योद्धा थे। उन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध में वजीर शाहवली खान के बेटे अताई खान को हाथी पर चढ़कर मार गिराया था। बाद में धार को होलकरों और सिंधियाओं के आपसी झगड़े के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिसका एक कारण यह भी था कि पवार राजा
अपने को पेशवा के समतुल्य ही समझते थे। वे कहते थे कि हम पूना को जवाब दे नहीं है, हम सीधे छत्रपति यानी सतारों को ही जवाब देंगे। उस समय पेशवा पूना में ही रहते थे। मराठों के आपसी विवादों में उलझे होने का फायदा अंग्रेजों ने उठाया तथा तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध जो कि 1817 में हुआ था में मराठा हार जाते हैं, जिसके साथ ही धार सहित पूरा मालवा ब्रिटिश शासन के अधीन आ जाता है। इसके पहले एक रोचक तथ्य यह है कि बाजीराव पेशवा द्वितीय का जन्म भी धार के किले में ही सन 1775 में हुआ था। सन 1857 की क्रांति में धार के राजाओं ने ब्रिटिशों का विरोध किया तथा यहां पर क्रांतिकारियों को शरण दी, जिसके कारण अंग्रेजों ने धार रियासत को जब्त कर लिया, जिसे बाद में मुक्त भी कर दिया। सन 1857 में आदिवासी भीलों ने भी अंग्रेजों से जमकर युद्ध किया, जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ा। सन 1921 में धार रियासत में 22 जागीरें बनाई गई थी, जिनमें से कुछ राजपूत ठाकुरों को जीत दी गई, जिन्हें तालुकदार भी कहते थे। यह यहां से टैक्स की वसूली करते थे। अन्य 8 जागीरें राठौर राजपूतों को दी जाती है, एक पवार और एक कायस्थों को भी दी जाती है। भूमिहर या अलोदियाल, जिन्हें बिलाला जाति भी कहते हैं, जो कि भील और राजपूतों की एक मिश्रित जाति थी, जिनका काम भील विद्रोह को शांत रखना था। इसके बाद सन 1947 में जब भारत अंग्रेजों से आजाद होता है तो मध्य भारत के गठन के साथ ही धार मध्य भारत का एक हिस्सा बनता है, जो कि 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के साथ ही मध्य प्रदेश का हिस्सा बन जाता है। आज भी धार ऐतिहासिक दृष्टि से काफी प्रसिद्ध है। यहाँ की बाघ प्रिंट की साड़ियाँ पूरे भारत में पहनी जाती है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, और आप आगे क्या देखना चाहते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।